सत श्री अकाल। आदाब सत श्री अकाल। सर मेरा नाम तरुण बिष्ट है। मेरा नाम तरुण बिष्ट है सर। तरुण मिस्ट मिस्ट सर। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड यस सर। तो सर मेरा सवाल बेसिकली आज के टॉपिक से ही है जो आपने जिसमें हमने डिस्कशन किया था ये एटीट्यूड। जी एटीट्यूड। तो सर मेरा ये सवाल है कि जब आप एक सिविल सर्विस ऑफिसर बन जाते हो तो आपने बोला कि आपका जो एटीट्यूड होता है एटीट्यूड होना चाहिए परोपकारी वाली एटीट्यूड होना चाहिए। वाह आपने यही बोला। तो सर जब तक आप सिविल सर्विस ऑफिसर नहीं बनते तब तक तो आपका एटीट्यूड परोपकारी रहता ही है क्योंकि सर आप एक तब तक आप एक लेमैन होते हो तक आप एक लेमैन कंसिडर करते हो और आपके पास कोई पावर नहीं होती। बेसिकली सर आई एम पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट सर। मेरा मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से है और सर अनफॉर्चुनेटली मैंने ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से करी है तो मैंने सोसाइटी के बारे में भी पढ़ा है अच्छी तरीके से। तो सर बेसिकली जो आपने जितना भी मतलब जो भी आपने ये एटीट्यूड के बारे में बात कही है मतलब वो सर बात सही है पर आप उसे आप रियल वर्ल्ड में या क्या बोलते हैं जब आप यूपीएससी के अंदर जाते हो जब आप सरकारी व्यवस्था के अंदर जाते हो या क्या बोलते हैं सरकारी नौकरी आप सरकारी नौकरी लेते हो या आप सरकारी व्यवस्था के अंदर जाते हो जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के अंदर जाते हो उस तब आप परोपकारी आचरण को कैसे मतलब सस्टेन कर सकते हो। आपके क्वेश्चन से मेरे को एक स्टोरी याद आई है तरुण जी कि एक बार एक मेंढक है ना सारे सब मेंढक फ्रॉग्स डड्डू जो होते हैं सब ने मिल के सोचा कि हम कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला हम धौला कुआं से रिंग रोड पर जाएंगे और आगे जो भी मोड़ आएगा वहाँ से हम कुतुब मीनार के ऊपर जाएंगे। तो सब लोग बड़े हैरान हुए हंसने लगे कुतुब मीनार पे मेंढक कैसे चढ़ जाएंगे। तो अखबार वाले आ गए टीवी वाले आ गए और पब्लिक भी जैसे 26 जनवरी में आसपास खड़ी होती है ना ऐसे पब्लिक भी अबे ये सारे डड्डू जा रहे हैं ये क्या कुतुब मीनार पे चढ़ेंगे। तो इतने सारे डड्डू थे और आखिर में एक मेंढक बचा वो तो कुतुब मीनार पर चढ़ गया बाकी रह गए। तो सारे अखबार वालों ने टीवी वालों ने माइक लगा के उससे पूछा तुम कैसे चढ़ गए। मालूम है क्या था वो डेफ था वो बहरा था। उसने जो सड़क के किनारे पर लोग खड़े थे ना उनको सुना ही नहीं जिन्होंने सुना वो रुक गए। ठीक है अब जो जितने भी आपने दायरे गिनवाए हैं ना जितने प्लेटफॉर्म गिनवाए हैं इस सारे का नाम आपने एक वर्ड यूज़ किया रियल वर्ल्ड। ये रियल वर्ल्ड नहीं है। रियल वर्ल्ड तो डिवाइन वर्ल्ड होता है। इसको गुरबाणी में बोलते हैं मत कोई जाने जग जीव दा दूजे पाए मुयास। ये मरे हुए लोगों की दुनिया है। जिंदा दिली तो डिवाइन पावर से जी जाती है। बट सर मेरा मतलब एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि आप जब सरकारी एक व्यवस्था के अंदर घुस जाते हो तो मत सुनो ना वो फ्रॉग बन जाओ वो वाला डड्डू बन जाओ। तो फिर सर वो फिर अगर आप नहीं सुनोगे अगर आपसे कोई नीचे का है आप उसके नहीं सुनोगे तो चलेगा पर सर जो आपके ऊपर बैठा है अगर वो आपको अगर आप उसको मना कर दोगे तो वो तो सर आप एग्जांपल बताओ ऊपर वाला क्या कहेगा आपको। सर वो आपको कहेगा तो कुछ नहीं पर अगर जब तक आप सिविल सर्विस या अगर पब्लिक सर्विस के अंदर हो तब तक तो फिर वो सर आपको पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण कराते रहेगा। ट्रांसफर से तो कुछ नहीं ट्रांसफर की कोई बात बट सर एक सिंगल पर्सन के लिए कुछ नहीं होता जब जब आप उसकी फैमिली हो जाती फिर जैसे सर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक अभी एक आईएएस ऑफिसर थे मतलब अभी भी हैं पर वो उनका इशू आया था बहुत ज़्यादा
कि सबसे ज़्यादा उनका मतलब ट्रांसफ़र, उनकी इतनी सर्विस नहीं हुई जितना, उससे ज़्यादा उनके ट्रांसफ़र हो गए। उनकी ट्रांसफ़र क्यों होती थी? तो सर वही कि वो मतलब ऑनेस्ट है, वो जो वो अपने वही उनकी जो परोपकारी वाली है उनकी आदत, पर क्या बोलते हैं वो, उन्होंने गलत काम का काम करने से मना कर दिया आपने सरकार से, आपने सरकार को मना कर दिया आपने, जिन्होंने आपको सर्विस में रखा है, तो वो तो फिर सर अब आप अच्छा, वो आपको निकाल नहीं सकते सर। अशोक जी आपको याद है ना जी, तो उन्होंने समझौता नहीं किया ना जी, तो अगर और अशोक पैदा हो जाए तो मेजोरिटी उनकी हो जाएगी, तो उनकी मेजोरिटी हो जाएगी तो ये जो जिस सिस्टम से पीड़ित होने की बात कर रहे हैं आप, वो सिस्टम बदल सकता है। बट सर फिर ये जो जैसे ये यूपीएससी है, यूपीएससी का मतलब ही यही होता है कि लोक सेवा आयोग, कि लोगों की सेवा करने वाला आयोग, तो अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, अगर आप रियल में आपका यही मोटिव है लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, सिस्टम को बदलना, तो अगर आप सिस्टम के अंदर रह के अगर आप सरकार से अगर आप पंगा कर लोगे तो फिर कैसे होएगा सर? आपका रियल जो मोटिव है, अगर आप मना कर दोगे, आप जॉब छोड़ दोगे, तो फिर तो जो समाज सेवा वो कैसे होगी? खेती बाड़ी कर लेंगे, समाज सेवा सिर्फ सिविल सर्विसेज से तो नहीं होती। बट सर पावर तो तभी मिलती है समाज, एक फार्मर की समाज सेवा एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है। मैंने अभी सुना पीछे कि रिक्शा चलाने वाला जब एक आदमी को लेके गया उसके घर से, तो उसने पूछा उसको कि मेरे को वहाँ पर ले जाओगे, तो वहाँ का कितने पैसे हैं? उसने बोला 10 रुपये। फॉर एग्जांपल वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं ले गया उसको, जहाँ भी जाना था, तो वापसी में उसने उसको पूछा कि तुम मेरे को रास्ते में सब्ज़ी लेनी है तो थोड़ा सा घुमा के ले आओगे? उसने उसको सब्ज़ी ले दी। फिर उसने कहा रास्ते में मेरे को थोड़ा सा वहाँ से ब्रेड और बटर भी लेना है, तो वो दूसरी दुकान पे ले गया। तो उसके बाद जब वो उतारने आया तो उसने उसको जब उतारा तो उसने उससे 10 रुपये ही मांगे। तो उसने कहा मैं आपको सब जगह से लेके आया हूँ। तो उसने कहा आप मेरे पिता समान हैं, अगर मेरा पिता भी ऐसे कहता तो। वो रिक्शे वाले ने तो बड़े बड़े IAS ऑफिसर को मात कर दिया, बिकॉज ही हेल्प्ड दैट ओल्ड मैन। वो बोल सकता था तुमने मेरे साथ ऐसे किया, 50 रुपये दो। जब वो छोड़ने आया ना तो इसको उसके ऊपर इतना प्यार आया, तो उसने कहा बेटा यहाँ बैठ जाओ कोर्टयार्ड में, यहाँ इस सनशेड के नीचे बैठो, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। तो अंदर से उसकी वाइफ बोली ओ ये रिक्शे वाले तुमने 10 रुपये क्यों मांगे हैं, तुम तो ज़्यादा ऐसे करते हो। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया है। तो उसने भला कर दिया ना, तो भला कहीं भी कर सकते हैं। एक्चुअल में भला सीट और कुर्सी से नहीं होता है, ना डिग्री से होता है। अब मैं सिविल इंजीनियर था, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया था कि रोड्स और ब्रिजेस बनाते हैं, तो मेरी भी बहुत ट्रांसफ़र्स हुई थी। मैं बोलता था ठेकेदार को इस छत के ऊपर सीमेंट डालते टाइम इस छत में 10 बोरी सीमेंट डालना चाहिए, आपने 2 बोरी डाला है। तो उन्होंने वो सारा जो मिक्सर में वो सीमेंट मिक्स करते हैं ना, रेत, वो सारी मेरे ऊपर डाल दी थी। तो मैंने अपने चीफ इंजीनियर को बोला कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। उसने मेरे को बोला प्लानिंग में आ जाओ, तो मैं प्लानिंग में चला गया। अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया कि मैंने रोड्स और ब्रिजेस बनानी है, तो वाई शुड नॉट आई मेक हार्ट टू हार्ट रोड्स एंड ब्रिजेस, तो आई एम कामयाब, मैं वर्ल्ड वाइड हार्ट टू हार्ट ब्रिजेस बना रहा हूँ, ये तो अब मेरे यहाँ पर भी लेबल लगा हुआ है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो दूसरा काम कर लेंगे। अगर मैं UPSC एग्ज़ाम पास करता हूँ, अगर मैं IAS या सिविल सर्विसेज में आता हूँ और मेरी इंटेंशन है कि ये मेरे को कुर्सी किसी तरह भी चाहिए, तो मैं सारे गलत काम करता रहा तो मैं सिस्टम को और करप्ट करूँगा ना।
तो बेटर है कि मैं समझौता ना करूं। बट सर अगर 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 मेरी ट्रांसफर होगी मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरा सारा परिवार भी बार बार डिस्टर्ब होगा, इधर से उधर जाएगा, पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं जाना, चलो अपना सारा भारत है कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अगर मेरे को मेरे अंदर की आवाज़ से समझौता करना पड़ा तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, चाहे मैं एक ही जगह रह के जॉब करूँ, चाहे मेरी जितनी मर्जी प्रमोशन हो जाए, चाहे सर मेरी वाह-वाह करेंगे। सो डिवाइन पावर मुझे यूज़ करनी है या दूसरी? अगर दूसरी करनी है तो मैं उस फ्रॉग की तरह हूँ जो सड़क पे लोगों की बात सुन रहे थे, डड्डू कैसे कुतुब मीनार चढ़ सकता है। सो बी डेफ देन, डोंट लिसन टू अदर्स, पास दिस एग्जाम एंड बिकम ऑफिसर, और अपनी कलम की पावर को मिसयूज के बदले काइंड हार्ट होके यूज करना शुरू कर दो, राइट? सर मैं गलत काम के क्या बोलते सपोर्ट में नहीं हूँ कि गलत काम करने के फेवर में नहीं हूँ, बट मेरा मतलब बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम मना कर देंगे सर गलत काम करने से, पर फिर वो जो काम करना करवाना चाहते हैं वो किसी और से करवाएंगे, तो फिर यहाँ पर ये सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस कहाँ से हुई? अगर आप समाज की सेवा करने, समाज को सही करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो, कुछ रिवॉल्यूशन लाने चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे? आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा गलत काम वो सरकार के लिए, सरकार किसी और। कम से कम मैंने तो मल्टीप्लाई नहीं ना किया, तो मैं एक और तरुण पैदा करूँगा जिस तरुण को मैं अपने जैसा बनाऊंगा, उसको बोलते हैं समाज में सच की आवाज को उठाना, ठीक है? अगर मेरे कारण एक और तरुण पैदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने अपना तरुण मरने नहीं दिया, ठीक है? बाकी जो कुछ हो रहा है हम दुनिया नहीं चेंज कर सकते, हम सिस्टम नहीं चेंज कर सकते, राइट? आपको मालूम है कि ये आपको भी शायद मालूम हो, मेट्रो में महिलाएं का डब्बा लगा है, राइट? तो मैं इंडिया में था, मैं बस में ट्रेवल करता था, मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर स्त्रियों के साथ कैसे मिसबिहेव करते हैं, राइट? मैं अमेरिका बैठ के मेरे अंदर ये बड़ा बर्निंग डिज़ायर थी कि मैंने इस सिस्टम को ऐसे बदलना है। सो वी स्टार्टेड गिविंग लेक्चर्स और हम मेट्रो के वहाँ गए, मेट्रो वालों को रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने बोला था महिलाएं का डब्बा लगा दो, उन्होंने बोला आप अमेरिका से आए हो, 3 मिनट की सर्विस है, अगर हम एक और बॉगी लगा देंगे लेट हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आफ्टर फ्यू मंथ्स महिलाएं का डब्बा लग गया, मेरे को रिश्वत लेनी नहीं पड़ी और मेट्रो वालों ने मेरे से रिश्वत मांगी नहीं, आज महिलाएं सुखी हैं। हो गई चेंज? वी ट्राइड, राइट? ऐसे हो सकता है? अगर ना हुआ तो मैंने अपने अंदर के तरुण को मरने तो नहीं ना दिया, राइट? इंसान जब अपनी नज़रों में आप गिरता है ना, वो अपना काम पैशनेट होके नहीं करता। पैशनेट होके करने का मतलब क्या है? डिवाइन पावर वर्किंग। सो मैंने गॉड को नहीं मारना। सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, पहला आंसर हो गया? यस यस। अच्छा सर यही एक क्वेश्चन, ये सर आप ही इसी टॉपिक से, एटीट्यूड से, आपने फेवरिज्म के बारे में भी बोला, तो डिस्क्रिमिनेशन, यस नहीं सर, यस सर, डिस्क्रिमिनेशन या फेवरिज्म, सर आपने बोला कि जब आप कोई एक पावर वाले अथॉरिटी में पहुंच जाते हो, जब आप एक ऑफिसर बन जाते हो, तब आप अपने मतलब अंडर में आप अपने डायरी के अंदर फेवरिज्म ना करें, किसी से डिस्क्रिमिनेशन ना करें, पर सर आज तो मतलब गवर्नमेंट के हर सेक्टर में फेवरिज्म है, उसके लिए क्या कैसे करें? आपको मैं वो स्टोरी दोबारा सुनाऊं मेंढक वाली? आप वो जो मेंढक डेफ था ना, वो वाला बनना सीखना है,
पर सर आपको फिर सस्टेन भी तो करना है, रहना भी तो है उस। तो वो सस्टेन किया ना, वो पूरा रास्ता तय करके गया और मीनार चढ़ गया। लोगों को देखना छोड़ दे, लोग क्या करते हैं, सिस्टम क्या है। सर मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, सोसाइटी की तो मैं भी नहीं सुनता सर। सोसाइटी की तो नहीं सर, मैं भी नहीं सुनता। कोई कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सर अभी मैं अभी अभी जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ, लेटेस्ट अभी मेरे फादर मदर इतनी रात को अभी घर में थे, मेरे फादर आए हुए हैं, मेरे फादर डिफेंस में, तो वो तो अलाउड नहीं करते 7 बजे बाद बाहर निकलने के लिए, तो उन्होंने तो मना करा अभी मुझे जाने के लिए, कहा कि मत जाओ, पर मैं आ गया फिर भी ज़बरदस्ती। ऐसा नहीं है मैं सर कि मतलब मैं सुनता हूँ हर किसी की, बट मैं सर ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आप एक सरकारी मुलाजिम हो, आप सरकार की नहीं सुनोगे तो फिर सरकार तो सर आपको निकाल देगी। और जो आपका मेन पर्पस है, मेन गोल है कि समाज की सेवा करना, एक रिस्पेक्टेड जॉब में रहते हुए, एक पावर के अंदर रहते हुए, क्योंकि सर मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैंने पढ़ा है कि क्या बोलते हैं, जब तक आपके पास पावर ना हो तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तब तक आप कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसा मैंने पढ़ा है सर। तो सरकार किसको बोलते हैं? सरकार कोई ढांचे का नाम है, कोई चार दीवारों का नाम है, कुछ किताबों का नाम है, कि नंबर ऑफ पीपल को कहते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आप इस गेम में जाओ ही मत। हमको ये सोचना है, मेरी लाइफ मेरे को एक बारी मिली है, मैंने इसको सेल्फ एस्टीम को लेके कैसे जीना है। टॉपिक है एटीट्यूड, उस एटीट्यूड को कमाना है, रिगार्डलेस गवर्नमेंट्स, रिगार्डलेस पीपल, रिगार्डलेस सिस्टम में क्या हो रहा है। डिवाइन पावर आपको कोई नहीं स्टॉप कर सकता, ठीक है ना। बस मेरे को किसी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना,